स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के जीरो एक्स प्रो के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स हमारे हाथ लग चुके हैं एंड इसमें मैक्सिमम डिटेल्स करेक्ट हो सकती है। सो वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है ये जो फ़ोन है इसकी सभी स्पेसिफिकेशन, इसकी बिल्ट एंड डिज़ाइन, ये फ़ोन कब आने वाला है, इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या है इसकी कॉम्पिटिशन, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। सो सब कुछ आपको इस वीडियो से पता चल जाने वाला है, बस बिना स्किप करे वीडियो देखना एंड चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक क्षीरसागर एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोप्रिज्म, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। इसके बैक साइड को अगर आप देखोगे तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो बिल्कुल क्वाड कैमरे की तरह दिखता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो एलईडी आता है वो राउंड शेप में आता है एंड इसके राउंड शेप की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इसको क्वाड कैमरा सेटअप मिला है। बट दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का एंड थर्ड सेंसर मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों इसमें आपको कैमरे की क्वालिटी तो अच्छी मिलने वाली है बट आप मैक्सिमम 4K पे रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS पे। सो एक अच्छी रिकॉर्डिंग की बात हो जाती है। एक्चुअली जो कैमरा एंड बिल्ट है ये बहुत ही अच्छा है इस प्राइसिंग में एंड अगर आप इसकी प्राइसिंग भी बता ही देता हूं मैं आपको, ये जो फोन है वो आपको 17,000 से 19,000 के बीच में देखने को मिलेगा। बट दोस्तों ये जो फोन है इसकी कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई है। बट दोस्तों इससे पहले आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके कॉम्पिटिशन कौन कौन से फोन के साथ है। सो इसकी फ्रंट की बात करते हैं तो आपको साइड पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा जो 16 मेगापिक्सल का है एंड इससे भी आप 1080p में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सो एक अच्छी बात है एंड इसकी डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो 6.67 इंचेस का है। सो एक बड़ा डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा एंड एक सबसे बड़ी बात इसकी प्राइसिंग के हिसाब से आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए बट उनका बजट थोड़ा कम होता है। सो उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये कि ये जो फोन है एक ओवरऑल अच्छा फोन होने वाला है। सो इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है आज के डेट में क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े फोन्स ने 3.5mm जैक निकाल के फेंक दिया है। सो इस फोन में आपको अपना सबसे प्यारा 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों इसकी बैटरी एंड स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो बैटरी में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी जो आपका दिन तो आराम से निकाल ही देगी बट आपको इसमें 32W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 40W 50W वायरलेस चार्जिंग बट दोस्तों इसकी प्राइसिंग के हिसाब से एंड इसकी जो डिटेल अब तक आई है उसके हिसाब से 32W की फास्ट चार्जिंग ही आपको देखने को मिलने वाली, इससे ज्यादा आपकी चार्जिंग नहीं जाने वाली। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस फोन में कितना दम है। दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात कर लेता हूँ, इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो G96 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने इस प्रोसेसर का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 732G के प्रोसेसर जितनी ही है। बट दोस्तों इसका जो पिछला वेरिएंट अपलोड हुआ था, मतलब आया था हमारे पास G95 वाला, उससे ये अगला वेरिएंट है, अपग्रेडेड वेरिएंट है, तो पिछले वाले वेरिएंट से इसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों क्या ये Redmi Note 10 Pro Max से कम्पीट कर पाएगा? डेफिनेटली दोस्तों, बट हम बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक रिव्यू लाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इस वीडियो के लिए। दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज में बनाते रहता हूँ, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आ जाए आप तक। तो चलिए दोस्तों इसकी बाकी फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ तो ये फोन आपको 17,000 to 19,000 के बीच में आपको मिलने वाला है एंड इसकी रिलीजिंग डेट भी बता देता हूँ, ये सितंबर मंथ के एंडिंग से पहले आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी कंपटीशन की बात करें तो इसकी कंपटीशन बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्राइसिंग बता दी तो आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि इसकी जगह के मैं तो रेडमी के फ़ोन से, रियलमी के फ़ोन से वो ले लूँ। सो इनकी कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ी दोस्तों, बट ये जो फ़ोन है वो नया आया है, ये कंपनी ट्राई कर रही है कि बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करे कम प्राइसिंग में। सो आपको ये फ़ोन पसंद आ सकता है। दोस्तों मुझे बताएं क्या आपको ये फोन पसंद आया कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस फोन को किसी फोन से कंपेयर करना है सो मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर से इसे कंपेयर करके एक वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।